जी बताइए आप, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आज राजेंद्र जी के पास दूसरी बार आया हूँ और मैं इनके बर्तन लेके गया था पिछले हफ्ते, तो खाना खाने में जो मजा है ना इनके बर्तनों में, वो बाकी बर्तन तो बिल्कुल बकवास है। मैं दुआ करता हूँ कि ये और इनका काम चले और दुनिया खाए और स्वस्थ रहे, मतलब कि इससे अच्छी चीज मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखी, मेरे तो ये कहना है। आप बताइए, आप तो खाना पकाते भी होंगे। दाल बनाई तो दाल जो है बहुत ही टेस्टी बनी, उसमें तड़का वड़का कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल दाल की जो बहुत दाल की जो क्वालिटी जो पहले बनाते थे उससे 100% बेटर थी। जी दाल बनी जी जी, आप अपने विचार रखिए। मैं इनका एक्सपीरियंस क्या रहा मिट्टी के बर्तन के बारे में? अच्छा रहा, हम लोग को बिल्कुल नया जिंदगी मिल गया है, मिट्टी का जो स्वाद है वैसा स्वाद कहीं नहीं है, बहुत मजा आता है, और जो तवे पे रोटी बना रहे तो ऐसा लगता है तंदूरी रोटी खा रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम गुड़गांव से। गुड़गांव में कहाँ? निर्वाणा सेक्टर 50 से। मैं आप लोगों को एक बीच थोड़ा सा एक बात बताना चाहूँगा, जैसे है मतलब अच्छे जगह से आए, एक बड़ा ही मिसपरसेप्शन है लोगों के बीच में कि जो बड़े लोग होते हैं या जो अमीर लोग होते हैं जिनके पास पैसे थोड़ा ज्यादा होते हैं वो इन सब चीजों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो जो चीज है ना, वो लोगों के जो गलत फहमी है दुनिया पड़ी हुई है वो दूर हो जाती है, और सोच है। जी बिल्कुल, नहीं जो समाज में ये समाज में खड़ा हुआ है, समाज वाली बात, उस चीज को ऐसे लोग हैं जो कि दूर कर रहे हैं और हमें भी अच्छा लग रहा है। जहाँ नहीं, जहाँ आपकी सोच है, जहाँ आप बता रहे हैं कि ऐसे लोग बड़े लोग करते हैं, और सबसे हम इस काम से जुड़े हुए हैं, हमें इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है, सबसे पहले वही लोग आ रहे हैं जो कि ये लोग हैं, ठीक है ना जी? बंदे मातरम, बंदे मातरम। मेरा वो बना देना, ठीक है, दही वाला और